राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा है। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गाँवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की, जिसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण व आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी, खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लेने का निर्णय लिया, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सम्मान किया गया। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वालों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। साथ ही प्रदेश के ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया, जो अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना। खेलों में उत्तर प्रदेश की एक अलग ही पहचान है। केबी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद और हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जिनके सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा, उन्हें भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। मेरठ के खेल सामान पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को और गति देते हुए खेल विश्वविद्यालय के निर्माण से स्थानीय ODOP उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। खेल, खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कार्य होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय में विशेष स्पोर्ट्स सेंटर व संस्थाओं के अलावा अत्याधुनिक मैदान, स्विमिंग पूल, वेलोड्रोम, साइकिलिंग ट्रैक और हाईटेक एवं मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा माननीय प्रधानमंत्री जी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोच ईमानदार, काम दमदार।